अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोरी कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हो तो आप खुद ही जानोगे जो एक सालों में कितने ज़्यादा एक मेमोरी कार्ड रीडर जो है डैमेज हो जाता है। एक मेमोरी कार्ड रीडर जो 30, 40 और 50 रुपीज़ में आते हैं उसको कैसे लॉन्ग लास्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं वो प्रोसेस क्या है। इस वीडियो देख के आप खुद का मेमोरी कार्ड रीडर आप खुद ही लॉन्ग लास्टिंग कर सकोगे। ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सभी जो कार्ड रीडर SD कार्ड रीडर आप देख सकते हैं, ये सब जो है UBAN कंपनी का है। मैं एक एक करके दिखा दूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो कार्ड रीडर है ये बहुत दिनों तक ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और लास्टिंग नहीं करते है। तो ये जो है देखा जाए तो एक महीने के और दो महीने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो एक महीने के अंदर ही ये डैमेज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो 6 महीने तक ये चल सकता है। तो ये क्यों डैमेज हो जाता है ज़्यादातर ये जो कार्ड रीडर है ये 30, 40 और 50 रुपीज़ के अंदर आते हैं, मगर ये जो है डैमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा लो है तो हम लोग ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, मगर इसको टोटल किया जाए तो ये आप लोग देख सकते हैं एक ईयर के अंदर 500 से लेके जो लोग कम यूज़ करते हैं उसको 100 और 200 रुपीज़ खर्च हो जाता है। यहाँ पर आप 7 कार्ड रीडर देख सकते हो, इसका जो प्राइस है लगभग एक एक का प्राइस 30 रुपीज़ है। ये 6 महीने के अंदर इतने सारे जो कार्ड रीडर है ये डैमेज हो चुका है, तो यहाँ पर लगभग जो टोटल प्राइस आता है 270 रुपीज़। इस टाइप का SD कार्ड रीडर को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए इसके ऊपर मैंने 1 साल रिचार्ज कर चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर 2 कैपेसिटर है, सभी जो कार्ड रीडर है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने ये दिखा दूंगा, कोई भी कार्ड रीडर में ये आप लोग देख सकते हैं इस वाले कैपेसिटर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पर 2 पोर्शन है, यहाँ पर कैपेसिटर मिसिंग है। तो अगर हम इस वाले कार्ड रीडर का बोर्ड को देखते हैं तो यहाँ पर भी कैपेसिटर मिसिंग है। तो इस वाले जो कार्ड रीडर है ये न्यू है, और ये जो रेड वाले कार्ड रीडर है ये सही कंडीशन में है। चलिए तो इस वाले जो कार्ड रीडर है इसको खोल लेते हैं और इसके ऊपर जो प्रोसेस है और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये जो है उस वाले कार्ड रीडर का मेन बोर्ड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैपेसिटर यहाँ पर भी मिसिंग है, और ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक LED है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कैपेसिटर मिसिंग है, ये कैपेसिटर आपको वोल्टेज फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर जो एक LED है, ये जो LED इसके एवरी पल्स में ये जो IC होता है इसके ऊपर लोड आता है, उस लोड के दौरान ये जो IC है ये हीट हो जाता है, और बहुत दिनों तक ये जो LED चलता है तो ये जो IC है ये डैमेज हो जाता है। इस वाले कार्ड रीडर का बैक साइड पे आप लोग सर्किट कनेक्शन देख सकते हो, तो चलिए हम लोग एक स्कैन कॉपी देख लेते हैं। तो ये जो है ये इस कार्ड रीडर का स्कैन कॉपी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो व्हाइट मार्किंग जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है ये सब कनेक्शन है, और ये जो है इस वाले सेक्शन ये IC। तो मैंने एक चीज़ देखा, जितने सारे कार्ड रीडर में मेरा जो कार्ड रीडर है जितने सारे कार्ड रीडर में ये जो LED बर्न हो चुका था, वो कार्ड रीडर बहुत ही दिनों तक चलता था। मेमोरी कार्ड रीडर सर्किट का LED आपको रिमूव कर लेना है। मैं इस वाले कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके, जो कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट ना हो, तो इस वाले जो 2 कैपेसिटर है इसको पैरेलली मैं वहां पर सोल्डरिंग कर दूंगा। इस वाले सर्किट को ठीक से करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो आपका कंप्यूटर डेड हो सकता है, आपका मेमोरी भी डेड हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मैं सोल्ड्रॉन 25 वाट सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वीडियो का रिव्यू आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये जो कैपेसिटर है ये आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा छोटे हैं, ये अगर गिर जाए तो इसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके इसको लगा रहूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है यहाँ पर ये सही कंडीशन में है, तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करने के लिए सेमकॉन का 12 वोल्ट माइक्रो सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका अनबॉक्सिंग आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं। ये जो 2 कैपेसिटर है ये SMD कैपेसिटर है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं जो ये SMD कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहना, मैं आने वाले वीडियो में ये दिखा दूंगा इस वाले जो SMD कैपेसिटर है इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सोल्डरिंग है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर और एक बार इसको जो कैपेसिटर है इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लेता हूँ। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कंप्यूटर पे डैमेज आ सकता है। सोल्डरिंग करने के बाद सर्किट के ऊपर जो फ्लैक्स है इसको आइसोप्रोपाइन अल्कोहल्स के मदद से
रिमूव करना है। इस टाइप का जो कार्ड रीडर आता है इसमें हीट सिंक का कोई सिस्टम नहीं रहता है, तो यहाँ पर मैं हीट डिसिपेशन के लिए एक एलुमिनियम का प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक हीट थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हीट को डिसिपेट करने में मदद करेगा। सर्किट के साथ इस मेटल प्लेट को लगाने के लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हीट को अच्छे से अच्छे तरह डिसिपेट करने के लिए मैं यहाँ पर और एक मेटल शीट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो है ऑल जो शीट है यहाँ पर, ये एलुमिनियम के बने हुए हैं। मैंने किस तरह से ये जो हीट सिंक सिस्टम है इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो प्रोसेस है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको, इसका जो कैबिनेट है इसको लगा लेते हैं और देखते हैं ये वर्क करता है क्या नहीं है। मेरे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ के मदद से मैं यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ। तो ये दिक्कत आ रहा था मुझे मेमोरी कार्ड लगाने में। यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ माई PC एंड यहाँ पर कोई भी USB नहीं शो हो रहा है। तो ये मैं लगाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है इंसर्ट हुआ और ये इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं USD ISO। तो ये जो USD ISO है एक्चुअली ये जो मेमोरी कार्ड मैंने लगाए ये मेरे विंडोज 10 बूटेबल मेमोरी कार्ड है। तो इसके मदद से मैं मेरे जो डेस्कटॉप है उसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँगा जो ये वर्क करते हैं क्या नहीं है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, ये एक 4K वीडियो है और यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये पहले से ये वीडियो मौजूद है तो यहाँ पर रिप्लेस दिख रहा है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये पेस्ट हो रहा है। तो स्पीड आप लोग देख सकते हैं 10 से लेकर 11.4 तक ये जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इस टाइप का जो कार्ड रीडर होता है यहाँ पर जो रीड स्पीड होता है वो राइट स्पीड से दुगना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो राइट स्पीड है 10 MBPS, मगर जो रीड स्पीड होगा वो लगभग 20 MBPS होगा। तो ये आपका जो कार्ड रीडर आपने यूज़ कर रहे हैं उसका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए।